आप कोई भी सलाद क्यों ना बना रहे हो, लेकिन जब तक उसमें खीरा नहीं डलता तब तक वो सलाद अधूरा ही होता है। ऐसा समझ लीजिए कि खीरा किसी भी सलाद की जान होता है। खीरा अकेले सलाद की ही जान नहीं होता, बल्कि ये हमारी किडनी की भी जान है। अगर आप अपनी डाइट में रेगुलर खीरा लेते हैं तो इससे आपकी किडनी एकदम फिट रहेगी। लेकिन ये होगा कैसे, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, और यहाँ आपको मिलेगी किडनी से जुड़ी सारी जानकारी बस एक क्लिक में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और जानते हैं आखिर खीरा कैसे हमारी किडनी के लिए लाभकारी है। तो खीरा खाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे ब्लड शुगर लेवल काबू में रहता है। दरअसल खीरा पैनक्रियास को उत्तेजित करता है, जिससे पैनक्रियास पहले के मुकाबले ज्यादा इंसुलिन बनाने लगते हैं, और इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में कन्वर्ट करने में मदद करता है, जिससे डायबिटीज लेवल काबू में आने लगता है। इतना ही नहीं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स में खीरे को 0 रेटिंग मिली है, जिसका साफ मतलब है कि शुगर के रोगी बिना अपने ब्लड शुगर के लेवल की चिंता किए जी भर के खीरा खा सकते हैं। अब बाकी तो आपको पता ही है शुगर हमारी किडनी के लिए कितना नुकसानदायक होता है। इस समस्या की वजह से हमारी किडनी खराब हो सकती है, इसलिए इसे काबू में रखना चाहिए। खीरा खाने का दूसरा फायदा ये है कि इससे बॉडी में पानी की कमी नहीं होती, और अब अगर बॉडी में पानी की कमी नहीं होती तो साफ सी बात है कि किडनी ठीक से काम करती है। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग कम पानी पीते हैं तो उनकी बॉडी में वाटर लेवल कम होने लगता है, और इससे किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती, और फिर उन्हें यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम भी होने लगती है। बॉडी में पानी की कमी होने के कारण किडनी स्टोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। वैसे खीरा खाने से हमें यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होती, तो जो लोग यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो भी खीरा खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, और कितना खाना है ये उनकी रिपोर्ट पर डिपेंड करता है। यूरिन की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है इस बारे में जानने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। तो अब अगर आप यूरिन से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप हमें अपनी रिपोर्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद गूगल फॉर्म के जरिए भेज सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपको बताएंगे कि आपको कितना खीरा लेना है। चलिए अब जानते हैं आखिर खीरा हमारे ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल में रखता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए खीरा दो तरह से काम करता है। पहला ये कि इसमें बहुत सारा पानी होता है, और दूसरा इसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम बॉडी में जमा सोडियम लेवल को कंट्रोल करता है और ब्लड फ्लो को ठीक करता है, जिससे ब्लड प्रेशर काबू में आने लगता है। दूसरा, खीरे में पानी होता है जो कि बॉडी में पानी की कमी को दूर करता है, और इससे यूरिन ज्यादा पास होने लगता है, और जब यूरिन पास होता है तो बॉडी में जमा सोडियम जैसे कई टॉक्सिन्स यूरिन के साथ बाहर चले जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगता है। बाकी आपको पता ही है, जो कि मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ कि ब्लड प्रेशर कैसे हमारी किडनी को खराब करता है, तो इसलिए इसे हमेशा कंट्रोल में ही रखें। तो ये थी खीरे और किडनी की छोटी सी कहानी। वैसे अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या किडनी रोगी भी खीरा खा सकते हैं? तो मैं बता दूं कि नहीं, किडनी रोगी खीरा नहीं खा सकते। और अब आप मेरे इस बात को सुनने के बाद कहेंगे कि जब खीरा किडनी के लिए इतना फायदेमंद है तो भला किडनी रोगी इसे क्यों ना लें? तो आपके इस सवाल का जवाब है कि क्योंकि खीरे में काफी ज्यादा पानी होता है, और किडनी रोगी को बहुत सीमित मात्रा में पानी दिया जाता है। अगर ज्यादा पानी दिया गया तो इससे किडनी रोगी को परेशानी हो सकती है, तो इसलिए किडनी रोगी को खीरा नहीं दिया जाता। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और सबसे जरूरी बात, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।